ये है सुनील शेट्टी जी का घर, जो कि मुंबई के कोलाबा में अल्टमाउंट रोड पर स्थित है और इसी बिल्डिंग में वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनील शेट्टी जी का घर दिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमें सुनील शेट्टी जी का घर दिखाइए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि मुंबई में हमारे सुनील शेट्टी जी कहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार में कौन कौन रहता है, उनके घर की प्राइस क्या है, उनका नेटवर्थ क्या है। गाइज, आपको हम सब कुछ बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम हैं मुंबई के कोलाबा में, जहाँ पर मुकेश अंबानी जी का एंटेलिया हाउस है। जस्ट उसी के करीब 500 मीटर की दूरी पे सुनील शेट्टी जी का वो घर है, जहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी आदि यादव 08 को फॉलो कर लीजिए, या आदि टेक ब्लॉग को। दोनों आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाके फॉलो कीजिए, हमें डीएम कीजिए, कुछ भी अगर पूछना है या किसी का भी घर देखना है तो जल्दी से जल्दी फॉलो करिए और मैसेज करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये है मुकेश अंबानी का घर एंटेलिया हाउस। जो ये गाड़ियां जा रही हैं, ये सीधा रोड एंटेलिया हाउस की तरफ चला जाएगा और देखिए गाड़ियां इसी की तरफ से आ रही हैं। और जहां पे अभी हम खड़े हैं और जो ये वाला रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये सुनील शेट्टी जी के घर के साइड जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम यहाँ पे सुनील शेट्टी के जो भी उनका बिल्डिंग है उसके गेट के सामने आ चुके हैं। अभी हम आपको आगे इनकी पूरी बिल्डिंग का अच्छे से आपको नज़ारा दिखाएंगे और बताएंगे कि ये इस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे रहते हैं और इनके घर की प्राइस क्या है। और गाइज, बता दें, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, इसका नाम है पृथ्वी अपार्टमेंट, जो कि अल्टमाउंट रोड पर स्थित है। और ये भी एक तरह से कह लीजिए कि मुकेश अंबानी जी जो हैं उनके पड़ोसी ही हैं। और यहाँ की जो भी बिल्डिंगें हैं, जो भी ज़मीनें हैं ना, वो बहुत ही महंगी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पर दिखा दें, देखिए वहाँ पर ये जो आपको गेट सामने दिख रहा है, इसी में सुनील शेट्टी जी रहते हैं और गार्ड साहब वहाँ पर खड़े भी हैं। आगे से कोई भी वीडियो और फोटो यहाँ पर नहीं ले सकता है, सख्त मना किया गया है। और इस पेड़ के नाते आपको सामने से सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हम आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। देखिए कितनी शानदार ये बिल्डिंग लग रही है सामने से भी। दोस्तों, सामने पेड़ होने की वजह से आपको इनकी बिल्डिंग ठीक से नहीं दिख रही है, लेकिन अभी हम जो पीछे का रास्ता है वहाँ पर चलेंगे और इनकी पूरी बिल्डिंग को कवर कर आपको दिखाएंगे अच्छे से पूरा नज़ारा, और साथ में इनके घर के बारे में भी बताएंगे और आपको सुनील शेट्टी जी के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इनके बायोग्राफी के बारे में बता दें। आपको बता दें, इनका जन्म 11 अगस्त 1961 को मुल्फी कर्नाटक में हुआ था और इनका पूरा नाम सुनील बीरप्पा शेट्टी है और अन्य नाम एक्शन अन्ना है। और इनकी बीवी का नाम माना शेट्टी है और उनके दो बच्चे हैं, उनकी बेटी का नाम आसिया शेट्टी है और उनके बेटे का नाम आहान शेट्टी है। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत बलवान 1992 से की थी, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती थी। ये फिल्म हिट रही और इन्हें एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली। मुंबई के अपस्केल इलाके अल्टमाउंट रोड में ये जो आलीशान आप लोग घर देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है पृथ्वी अपार्टमेंट, जहां पर सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ रहते हैं। और यह वही इलाका है जहां पर भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का एंटेलिया हाउस है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, इसी में सुनील शेट्टी जी रहते हैं। और जस्ट इसी के बगल में आप लोग देखिए, यहाँ पर एंटेलिया हाउस है लोधा बिल्डिंग के बगल में। और इनके खास पड़ोसी माने जाते हैं सुनील शेट्टी, जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं। दक्षिण मुंबई आवास परियोजना 2000 वर्ग फुट कालीन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परियोजना में घरों का जो कीमत है ना, वो कई सौ करोड़ों में है। यहाँ बगल में इसी घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुनील शेट्टी सोफे पर लेटे हैं। इनके पीछे एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर देखिए आसिया शेट्टी हैं और उनके पीछे व्हाइट कलर की दीवार पर काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें लगाई गई हैं और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर भी देखिए आसिया शेट्टी के पीछे खूब अच्छी सी एक पेंटिंग वाली तस्वीर लगाई गई है। तो इस बिल्डिंग में जिसमें उनका फ्लैट है ना, वो काफ़ी उसका जो इंटीरियर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहते हैं और इस बिल्डिंग में टोटल 30 फ्लोर हैं और इनमें 120 फ्लैट है। यह बिल्डिंग मुंबई के डी वार्ड के अंतर्गत आती है और इस बिल्डिंग में अंदर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कि एक स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम एरिया और एक ऊपर ही छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलता है, जहां पर सुनील शेट्टी अक्सर एक्सरसाइज करते हुए देखे जाते हैं। जहां पर सुनील शेट्टी का ये घर है, आमतौर पर सभी लोगों को यहाँ पर घर लेना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी एक हॉलीडे होम के मालिक भी हैं। इसके अलावा सुनील के पास खंडाला में एक होम हाउस भी है जो कि करोड़ों का है और एक्टर होने के साथ ही सुनील शेट्टी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और आपको बता दें, हर साल ये करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी की रियल्टी और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी भी है और इनका टोटल नेटवर्थ करीब 100 करोड़ के पार है और ये मंथली इनका 1 करोड़ के ऊपर ये कमाई करते हैं। और दोस्तों, इनका जो कार कलेक्शन है ना, वो भी बहुत ही लग्जरियस है। इनके पास करीब 8 से 9 कारें हैं। सुनील शेट्टी के पास सबसे पहली कार BMW 7 सीरीज है जिसकी प्राइस 1.3 करोड़ रुपए है। दूसरी BMW X5 है जिसकी प्राइस 90 लाख यानी 90 लाख रुपए है। तीसरी कार मर्सिडीज GLS है जिसकी प्राइस 87 लाख रुपए है और मर्सिडीज GLE जिसकी प्राइस 77 लाख रुपए है। हमर H2 जिसकी प्राइस करीब 1 करोड़ के पार है। वहीं पर अगली कार जगुआर XF है जिसकी प्राइस 76 लाख रुपए है और वहीं पर एक इनके पास जीप वरंगलर है जिसकी प्राइस करीब 55 लाख रुपए है। और ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में सुनील शेट्टी जी का घर है जिसकी प्राइस करीब 100 करोड़ के पार बताई जाती है। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं पीछे की तरफ से इनके बिल्डिंग का नज़ारा पूरा साफ दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग में टोटल 30 मंजिल है और सुनील शेट्टी इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं, 30वें मंजिल पर, और जिसकी प्राइस करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की बताई जाती है क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इतनी बड़ी इमारत है कि दूर से भी इस इमारत का नज़ारा किसी को भी दिख जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सुनील शेट्टी जी का घर देखना चाहते थे। तो देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर बालकनी में कुछ लोगों के कपड़े भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें करीब पूरी टोटल 25 से 28 लोगों की फैमिली रहती है और यहाँ पर 120 से ज़्यादा फ्लैट हैं और ये 30 मंजिल की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और लग्जरियस बिल्डिंग है और ये अल्टमाउंट रोड पर है, मुकेश अंबानी के घर से 200-300 मीटर की दूरी पर। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं और इसके लिए सुनील शेट्टी ने पूरा जी जान एक कर दिया था। सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी का 93 साल की उम्र में देहांत हो गया था। सुनील शेट्टी अपने पिता के बहुत ही करीब थे। सुनील शेट्टी ने बताया था कि उनके पिता कभी रेस्तरा में प्लेट साफ किया करते थे और वो 9 साल की उम्र से ही काम करते थे। सुनील अपने पिता से बहुत ही प्यार करते थे और 2013 में अपने नए डेकोरेशन शोरूम को लॉन्च करते समय एक्टर ने कहा था कि यह वही जगह है जहां मेरे पिता वीरप्पा शेट्टी काम किया करते थे। वर्ली स्थित इस रेस्तरा में उनके पिता सालों पहले वेटर थे और प्लेट साफ किया करते थे। सुनील ने यह बताया था कि उनके पिता 9 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। बता दें, लंबे स्ट्रगल के बाद 1943 में सुनील के पिता ने एक पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी जो कि वर्ली के फोर सीजन होटल के बगल में है। 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने हॉलीवुड में खूब नाम कमाया था। सुनील शेट्टी को वी टाउन में सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन कहा जाता है। फिल्मों के अलावा उनका बिजनेस कई क्षेत्रों में फैला है। पूरे देश में उनकी फिटनेस सेंटर चेन है। वे पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नामक प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं। मुंबई में मिस्चीफ के नाम से उनके बुटीक चेन है। वेंचर H2 रियल्टी नाम की रियल इस्टेट कंपनी है। साथ ही मुंबई में कई चेन रेस्तरा भी हैं।
देश के कई शहरों में सुनील के रेस्तरा और होटल्स हैं। इसके साथ ही वे खंडाला स्थित 6200 स्क्वायर फीट में फैले लेविस विला के मालिक भी हैं। मुंबई से लगभग 2 घंटे की दूरी पर खंडाला में यह लग्जरी होम्स बना हुआ है। दोस्तों अभी हम आपको मालबार हिल्स के ऊपर से यहाँ पर इनकी पूरी बिल्डिंग दिखा रहे हैं। आपको यहाँ से शहर का काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही होंगी जो काफ़ी शानदार लग रही है देखने में। देखिए यहाँ पर एंटेलिया हाउस भी दिख रहा है। ये मुकेश अंबानी का घर काफ़ी बड़ा है, 27 मंजिला, और ये भी दिख रहा है मालबार हिल्स पर से। और इसी के जस्ट बाजू में ही सुनील शेट्टी का पृथ्वी अपार्टमेंट है, ये वाली बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में भी 30 मंजिल है, देख सकते हैं। और इसके सबसे टॉप फ्लोर पर सुनील शेट्टी जी अपनी बेटी आसिया शेट्टी और बेटे अहान शेट्टी और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और यहां से शहर का नज़ारा देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और हम काफ़ी ऊपर खड़े हैं, देखिए रोड वहां नीचे है और हम ऊपर आकर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सुनील शेट्टी मुंबई में अपने परिवार के साथ किस बिल्डिंग में किस घर में रहते हैं, उनके घर की खासियत क्या है, उनका घर कहां पर है। तो ये जान लीजिए कि ये मुंबई के सबसे महंगे इलाके में रहते हैं। यहाँ की जो भी ज़मीनें हैं, घर है, बिल्डिंगें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ये करोड़ों में नहीं, 100 करोड़ में आता है, जैसे 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऐसे। उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।